अन्य क्षेत्र की कई बड़ी हस्तियां शुक्रवार को जोधपुर में थीं। ये सभी पूर्व विधायक सूर्यकांत व्यास के निधन पर हुई शोक सभा में शामिल हुईं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, विधायक अतुल भंसाली, भैराराम सियोल, पब्बाराम विश्नोई सहित आरसीए के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत, राज्य पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी सहित भाजपा कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं और जोधपुर के गणमान्य लोगों ने जीजी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। छह बार के विधायक हमारे माननीय सूर्यकांता जी व्यास, जिनको हम प्यार से सम्मान से जीजी के नाम से भी कहते थे, वो हमेशा उनका वात्सल्य और ममत्व हमेशा उनके जीवन में रहता था और हमसे बातचीत करते हुए लगता नहीं था कि हम अपनी बड़ी बहन से या माता तुल्य से बात कर रहे हैं। और केवल ये उनका अपने जन के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ लंबे समय तक लगाव तो था ही, लेकिन साथ में जनता की समस्याओं के प्रति भी बड़ी सजग रहती थी। विधानसभा में कई बार उन्होंने मुद्दे उठाए और दृढ़ता के साथ उठाते थे। जब हम कहते थे कोई अध्यक्ष से भाई सुन लिया, लेकिन वो कहते मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी, तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री को भी सुननी पड़ती थी। दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के समय में उन्होंने अपनी बात जोरदार ढंग से रखी, सुनती थी, जनता की समस्याओं का समाधान भी करवाती थी। एक जीवट वाली विधायक थी और लास्ट अंतिम क्षण तक अपने क्षेत्र की, अपने जन की, अपने पार्टी के लोगों की चिंता करती थी। जो मैं यहाँ तो कई बार विधायक के नाते तो उनके साथ वापस सानिध्य रहता था, जोधपुर के प्रभारी होने के नाते भी उनसे काफ़ी बार मिलना हुआ। निश्चित रूप से उनकी जो क्षति हुई है वो अपूर्ण क्षति है और अब एक ही है कि बाकी सब लोग उनसे कोई प्रेरणा लेकर के अपने व्यवहार में, अपने जीवन में वैसा ही रखें जैसा जीजी का था। तो निश्चित रूप से यह उनको अच्छी और